ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्राइम न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24, मैं हूं वैशाली। उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा के गजरौला मोहल्ला मायापुरी में बीती रात बंद पड़े मकान का ताला तोड़कर चोरों ने लाखों का माल साफ कर दिया है। जानकारी में मोहल्ला मायापुरी निवासी अनिल ने बताया कि शनिवार की शाम उनकी पत्नी अपने भाई की शादी में शामिल होने गई थी। वहीं वो खुद नगर पालिका की टंकी पर ऑपरेटर हैं, जो बीती रात में अपनी टंकी पर ड्यूटी करने गए थे। जब वो रविवार की सुबह अपने घर पहुंचे तो घर के ताले टूटे हुए थे और अलमारी में रखे 40,000 रुपये नकद और 2 लाख के सोने और चांदी के सामान गायब थे। अनिल बिखरे सामान को देखकर भौचक्के रह गए और उन्होंने इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी। पुलिस मौके का मुआयना कर मामले की जांच में जुटी है। प्राइम न्यूज 24 के लिए अमरोहा से कविंद्र सिंह की रिपोर्ट। नाम क्या? अनिल कुमार। बताओ क्या मामला हुआ? चोरी मामला क्या हुआ, मैं शाम बच्चे गए थे अमरोहा साली की शादी में और मैं गया था ड्यूटी नगर पालिका पंप ऑपरेटर रूम में थाने चुरा कर थाने वाली टंकी पर। आगे मैंने 7:20 करी हुई गेट खोला तो आगे गेट खोला आगे देखा मैंने तो पूरा बवाल फैला पड़ा, ताला ही टूटा पड़ा था गेट का। जब मैंने 112 नंबर कॉल करा ये पूरा बिगड़ हुआ, बहुत मोटा नुकसान हो गया। सामान कितना गया है? सामान 3 लाख से ऊपर सामान है सर टोटल, जिसमें कि सामान गया है पीतल का सामान गया है, 40,000 रुपये नकद गए हैं और जो 2.5 लाख रुपये की चीज़ थी, साड़ियाँ थी, कपड़े थे, नए सब बढ़िया बढ़िया माल छाँटा ये सामान गया टोटल।